नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बैक बेंचर्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने गाड़ी नंबर से चालान की डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपका चालान कहीं पे कट गया, जैसे रेड लाइट जंपिंग में, ओवर स्पीड में, रॉन्ग साइड, या फिर आपका चालान कटा हो रेड लाइट पर लगे हुए ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरे से, तो वो उस चालान का होता क्या है, वो चालान आपका डायरेक्ट घर पर जाता है। और उसमें अगर आपका आरसी से अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं, तो फिर उससे आपको बाद में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी के लिए अब मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका गाड़ी नंबर से आप अपने चालान की डिटेल कैसे निकाल सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के कोई चालान तो नहीं कटा हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर सबसे पहले जाके आपको क्या टाइप करना होगा, यहाँ पर ई चालान। ई चालान स्टेटस पर जाएंगे, वेबसाइट पर पहले नहीं क्लिक करेंगे इस पर। यहाँ पे आपके ये वेबसाइट पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे आपको देखेगा ये चालान डिजिटल ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस। ये वेबसाइट देखेगी, आपको यहाँ पे चालान डिटेल डालनी है, मतलब जैसे आप यहाँ पे अपना चालान नंबर डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, अपना डीएल नंबर डाल सकते हैं, इनसे आप अपने चालान की डिटेल निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या हुआ, जैसे आपके पास आपका चालान कट गया, आपके पास चालान नंबर है, तो आप यहाँ पे अपना चालान नंबर डालिए, कैप्चर कोड डालिए और उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। और मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको व्हीकल नंबर से, तो व्हीकल नंबर से कैसे डाल करेंगे यहाँ पे निकालने को। तो यहाँ पे आपको अपना गाड़ी नंबर डालना होगा, गाड़ी नंबर मैंने यहाँ पे डालता हूँ 14SK9849। आप यहाँ पे चेसिस नंबर भी डाल सकते हैं, 01937। कैप्चर कोड डाल दीजिएगा डालने के बाद आप कर देंगे डन। और इसको नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखेगा टोटल चालान, मतलब आपके कितने चालान कटे हुए, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। आपका यहाँ पे वॉलेट नंबर शो करेगा, डीएल एंड आरसी नंबर शो करेगा, चालान नंबर शो करेगा, और आपको उसका चालान का स्टेटस भी शो करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे शो कर रहा है कि हम इसका चालान इन्होंने अमाउंट पे कर दिया और किसी के कैश से किया है। अगर ये यहाँ पे नहीं करते तो यहाँ पे पेंडिंग शो करता करेगा। आप इसकी चालान की रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर इसका यहाँ से प्रिंट आउट होगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आप अपने चालान की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप कहीं रेड लाइट जंप करके आए हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं आपका चालान कट नहीं गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना गाड़ी नंबर डालिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अदर गाड़ी नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखिए जिसका चालान नहीं कटा है वो मैंने यहाँ पे गाड़ी नंबर डालता हूँ। तो आपको किस तरीके से यहाँ पे स्टेटस शो करेगा उसका, जैसे नंबर डाल दीजिए 25। यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देंगे M5GBYD। जैसे आप अपने कोड कैप्चर कोड को एंटर करेंगे, मतलब उसको डालेंगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी चालान स्टेटस, मतलब इस पर आपको इस नंबर पे आपका कोई भी चालान नहीं है, नहीं कटा हुआ है। आप इसको ओके कर दीजिए। अगर आपको कभी भी लगता है आपका गाड़ी का चालान कट गया हो, तो आप इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये दो गाड़ी नंबर थे जिससे मैंने आपको चालान का स्टेटस देखना और उसको मतलब चेक करना सिखाया कि आपका अगर चालान कहीं पर कट जाता है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने चालान का ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए और अपने चालान से बचिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।